इसके पिछले कई वर्षों से इतना कचरा जम जाता है नालियों में कि उसकी सुध ही नहीं है। बिल्कुल नगर निगम के पार्षद साहब भी आते हैं और देखते हैं, कुछ कर्मचारी आते हैं निकाल के साइड में रख जाते हैं, वो कचरा वापस नालियों में जाता है और वो वापस हटाते नहीं हैं। और इस वजह से इतना इस कॉलोनी में गंदगी फैल गई है कि कुछ बीमारी और कुछ घटना होने की संभावना है। आपने इसकी शिकायत किसी से की? इसकी शिकायत कई बार हमने हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं उनसे भी की, पार्षद साहब से भी की। वो कुछ समय के लिए भेजते हैं आदमी और सफाई होती है और फिर वापस वही हालत रहती है इसकी। आप क्या चाहते हैं? इसकी कंप्लीट सही तरीके से नालियाँ बनाई जाए और पानी की निकासी। यहाँ विगत 6 महीनों से ये समस्या हमारे सामने आ रही है। जब नगर निगम की ओर से नाली का निर्माण कार्य किया गया और हमारे से ही 2 मकान आगे नाली का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ के और अपना काम पूरा कर लिया गया, उससे आगे से जितना भी पानी वेग से आता है वो यहाँ आकर पानी रुक जाता है और पूरी कॉलोनी में पानी इकट्ठा हो जाता है, साथ ही अपने साथ लाया हुआ कचरा भी छोड़ देता है। एक बारिश में और 5 मिनट की बारिश में भी यहाँ लोगों का आना जाना बड़ा भारी पड़ जाता है, तो जब मूसलाधार बारिश आती है तो 2-3 दिनों तक यहाँ पर लोगों का निकलना भी काफ़ी दुविधा में हो जाता है। महापौर साहब से भी निवेदन किया और पार्षद साहब को भी हमने फ़ोन किया, लेकिन विगत चुनाव में उनकी शक्ल देखी है, उसके बाद वापस ये चुनाव आने वाले हैं, उन्होंने आकर कभी भी यहाँ वार्ड वालों की सुध नहीं ली है। इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं जिससे यहाँ के